ऐसे मुद्दे जो बहुत क्रूशियल है जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, पब्लिकली बहस होनी चाहिए, तो वो एक पब्लिक मीटिंग के द्वारा भी लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में जाने की कोशिश होती है। तो पीयू से एक कलेक्टिव ग्रुप है जिसमें हम सब लोग जो बम्बई से, अभी विनेल, मैं, चैनिका, हम सब लोग उसके साथ जुड़े हैं। तो कोशिश है अभी के समय पर जो खास करके ये पूरा जो बम्बई सिटी का जो पूरा ढांचा बदल रहा है, मेट्रो ट्रेन और आरे मिल कॉलोनी में जिस किस्म की आग लगाई गई है उसको लेकर जो पूरा एक बुरा हाल है, और ये जो पूरा जो मेट्रो ट्रेन की वजह से बम्बई का पूरा ढांचा जिस तरह से बदला है उसको लेकर लोग काम कर रहे हैं। पीयूसीएल के अंदर एक पर्यावरण एक कमेटी है जिसको लेकर वो मिल रहे हैं, थोड़ी जांच पड़ताछ कर रहे हैं कि लोगों के ऊपर क्या असर हुआ है, कानून का क्या वायलेशंस हुआ है, तो उसके ऊपर एक पीयूसीएल के अंदर के जो साथी है वो एक काम कर रहे हैं। दूसरा जो पीयूसीएल से भी और नारी अत्याचार विरोधी मंच से भी जो बम्बई में जो BST बस है जो बहुत पुरानी और बम्बई की एक जान बोली जाती है, तो BST बस जो है वो उसको पूरा प्राइवेटाइजेशन करके और वो उस बसेस का को ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए ये बस को किधर तो ये बंद करना चाहिए। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान करके वो प्राइवेटाइजेशन जिस तरफ से जा रहा है, तो उस तरह से एक मूवमेंट काफ़ी समय से चला पिछले 1-1.5 साल से, तो और अभी भी वो एक इंगेज है वो मुद्दा। और तीसरा जो है, क्योंकि वैसे महिला संगठन जो है बम्बई में लगातार मिलते हैं ऐसा नहीं है, पर मुद्दे जब ज़रूरत है कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो हमको मिलना चाहिए, तो फिर एक दो संगठन उसमें इनिशिएटिव लेके बाकी औरतों के संगठनों के साथ मिलकर प्लान करना और मिलना। तो जैसे हमारी कोर्ट की लड़ाई को लेकर 498 को लेकर जो इंटरवीन करना था सुप्रीम कोर्ट में, तो बम्बई की बहुत सारी संगठन मिलकर इंटरवीन करने के लिए इकट्ठा आए। 498 को लेकर जो स्टेट का जो स्टेट जो चाहता था कि 498 को जो है वो डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, फिर अडल्ट्री कानून को लेकर कुछ संस्था साथ में आई। तो कोर्ट के अंदर की जो लड़ाई है कि कोर्ट के अंदर हम औरतों के संगठन जाए और हम अपने एक नारीवादी विचार और अपने संघर्ष को लेकर हम हस्तक्षेप कर सके, वो लड़ाई को लेकर एक कानूनी लड़ाई है। और दूसरी है कि जैसे आमतौर से सभी जगह पे 8 मार्च को लेकर या मिल रहे हैं, लेकिन अब पिछले 5 सालों में जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ऊपर नीचे भी रहा है कि हम बहुत सारे संगठन और आंदोलनों के साथ जुड़े हैं, तो कौन कौन से मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है उस मुद्दों के साथ भी रहे हैं। तो जैसे कि ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइजेशन बिल, ट्रांसजेंडर TG बिल को लेकर, सरोगेसी बिल को लेकर, तो हम प्रोटेस्ट इकट्ठा कर एक साथ किए, तो ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से साथ में आए हैं, मतलब मुद्दे वाइज भी आए हैं, कलेक्टिव वाइज भी पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश महिला आंदोलन के अंदर भी हुई है बम्बई के अंदर। जैसे कि एक कलेक्टिव औरतों के संगठनों ने ये तय किया था कि ये ट्रांसजेंडर बिल और सरोगेसी बिल और ट्रैफिकिंग बिल, ये तीनों बिल के बारे में हमें क्या लगता है, हमारी क्या समझ है, तो हम काफ़ी 50-60 साथी मिलकर उसको जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे बीच में, जिन जानकार हैं, अनुभवी हैं, उनसे समझना कि ये मुद्दे है क्या और हमें मिलकर क्या करना चाहिए। तो एक तो होती है लड़ाई, दूसरी होती है कि अपनी जानकारी बढ़ाने की, एक समझ बनाने की जगह बनाना, जो मुझे लगता है दोनों तरह से औरतों के संगठनों ने समय समय पर करने की कोशिश की है। अभी जो 4 अप्रैल को जो एक पूरा नेशनल लेवल का जो एक आह्वान था कि हम सब लोग इकट्ठा आए फासिज़म के खिलाफ वगैरह, तो वो भी बम्बई में भी उस तरीके से कर सके। अब दिल्ली में जो लगातार 4-5 दिन से जो प्रोटेस्ट हुआ है, हमने बम्बई में एक प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो ये भी एक कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे औरतों के संगठन और मानवाधिकार सिविल राइट्स ग्रुप इकट्ठा कौन कौन से मुद्दों पे आ सकते हैं। तो एक पीयूसीएल है जहाँ पे बहुत सारे मुद्दों के साथ एक साथ हम
वहाँ पे शामिल हो सकते होते हैं और महिला संगठनों के मुद्दों पर एक साथ हम शामिल होते हैं। दूसरी बात है कि बम्बई में भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कुछ कुछ मुद्दों पर वो लीड करते हैं, जैसे कि लेबिया है जो एक LGBT मूवमेंट को की एक समझ और अनुभव और एक नज़रिए को सामने रखती है, तो बाकी लोग साथी जो है वो भी जुड़ते हैं कि उस आंदोलन के साथ, उस मुद्दे के साथ हम कैसे जुड़े। मुस्लिम औरतों के सवाल को लेकर आवाज़ निस्वा हो या विभाग को जिस किस्म का भी एक लीड करते तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा एक मुद्दे को लेकर स्पेसिफिक एक संगठन है, ऐसा मेरे को लगता है कि वो अब नहीं है। सब लोग मिलके जितना और जितनी भी यात्रा हो रही है बॉम्बे बातें अमन की में हमारे हज़ारों सवाल थे, हमारे हज़ार मतभेद थे, लेकिन वो बॉम्बे आए हैं और हम उनके साथ कैसे इकट्ठा आए, तो वो एक कोशिश थी। आप आए थे INPM का जो यात्रा आया था जो सीधा वाशी में मिले थे, तो हम जितने लोग वाशी के आसपास रहते हैं तो वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट हो गए। तो ये बहुत अलग अलग फिज़िकल पार्टिसिपेशन भी है कि कहाँ पर हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन कम से कम हम सॉलिडारिटी के लिए साथ में आ सके। तो तीसरा मैं ये कह रही थी कि जगनाचा हक्काचा आंदोलन जो महाराष्ट्र में साढ़े चार साल पहले, ये एक छोटा सा ग्रुप था जो जेंडर और आर्थिक व्यवस्था मतलब इकोनॉमिकल इश्यूज को समझने के लिए ये ग्रुप बना था। लेकिन जैसे जैसे ये दौर इलेक्शन का आया तो जगनाचा हक्काचा आंदोलन यानी जीने के अधिकारों का आंदोलन जो है वो महसूस किया कि हमको सबको जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, फार्मर्स के सवाल को लेकर है, या SC ST सवाल को लेकर, दलित सवाल, मुस्लिम औरतों के जो भी सवाल को लेकर, हम सब कैसे इकट्ठा आ सकते हैं। तो जगनाचा हक्काचा आंदोलन हमने एक दिन बम्बई में हर एक संगठन के अलग अलग साथियों ने अपने अनुभव रखे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुलाया कि आप सुनो जो हमारे अनुभव है, और उन्होंने भी एक कोशिश की कि हम जब भी पावर में आएंगे तो हम आपका मैनिफेस्टो लागू करने की कोशिश करेंगे। तो अत्याचारी विरोधी मंच का जो अनुभव आज से भी थोड़ा जरूरी है बोले NAPM टाइम से मुझे याद है कि चाहे वो नंदीग्राम के टाइम में हमने बहुत बड़ा आजाद मैदान में जब यात्रा चल रही थी तो हमने बहुत बड़ा किया। उसके पहले भी मतलब जब मैं अपने भाई का बात करूँ, जब उसके पहले या चाहे सेफ सर मिला सॉलिडारिटी कैंपेन की जब की बात हो, भले वो NAPM सारा इतना अच्छा मतलब उनका सपोर्ट रहता हमेशा, वो पूरे टाइम आते हैं हर एक मुद्दे पर, मतलब उनका एक इतना अच्छा विजन है, वो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है कि ये मेरा मुद्दा है तो मैं उसी में जाऊंगी और उसके आगे नहीं जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, इसलिए मुझे तो बहुत खुशी होती है कि महिला अत्याचार संघर्ष समिति के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि हम सीखते भी हैं और पर्सपेक्टिव ऐसा कि जहाँ जहाँ जेंडर की बात होती वहाँ वहाँ हो, चाहे वो घर की बात है कि वो अन्य की बात हो कि किसी की भी बात होगी, क्योंकि हर जगह जेंडर क्रॉस करती है तो वो देखते ही हैं वो वहाँ पे जाकर, तो वो उसमें जुड़ते ही हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत उनका जो समझ और जो साथ में आते हैं वो मुझे बहुत, इसके लिए हमें बहुत उनको जिंदाबाद भी कहना चाहिए करके हमेशा माहौल का जो स्ट्रगल शुरू में हज़ार के करीब से ज़्यादा लोग जुड़े रहे और फिर अभी कम से कम 2-2.5 महीना हो रहा है ना, 198 डेज़ है हाँ। तो ये जो स्ट्रगल इतना कंटिन्यूसली और अभी जो मौसम है इस अप्रैल, बम्बई में तो गर्मी शुरू हो गई है अप्रैल से ही, तो ये इस समय पर भी ये जो पूरा स्ट्रगल है इतना, जैसे वो भी एक सवाल है कि कितने लोग जो है वो माहौल के उस लगातार संघर्ष के साथ भी जुड़े हैं क्या। शुरू शुरू में 15-20 दिन बहुत लोग जुड़े, लेकिन वो 15-20 दिन तक के तो एक दबाव और मीडिया के सामने रखने की बात थी, लेकिन वो स्ट्रगल अभी भी अधूरा है, सॉरी अभी तक के हमारा वो फैसला नहीं आया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रहा है, तो वो स्ट्रगल बहुत लंबा भी है। पर हाउसिंग को लेकर हाउसिंग का स्ट्रगल हमेशा मतलब बॉम्बे में काफ़ी सालों से चल रहा है, मिल वर्कर्स का ये सब, पर उसको थोड़ा उसका स्कोप भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा हाउसिंग का स्ट्रगल बस्तियों में झोपड़पट्टियों में जाकर लिमिटेड हो गया, पर हाउसिंग
मिडिल क्लास का भी प्रॉब्लम है बॉम्बे के अंदर, क्योंकि हाउसिंग को एक कमोडिटी बना के रख दिया है जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो उसको एक अधिकार की तरह अगर ट्रीट करा जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी कीमत जो है सब्सिडाइज हो जाएगी। तो उसको लेकर भी कैंपेन होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फायर फाइटिंग चलता रहेगा कि कहीं टूट रहा है तो उसको जाके रोक दो, कहीं कुछ हुआ तो जाके खड़े हो जाओ बुलडोजर के सामने। तो उससे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, हमें परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर भी मुझे लगता है काम करना है। ज़्यादा करके हमारा एटीट्यूड इज़ रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं है। हम लोग जब चीज़ गिरने लगती है, टूटने लगती है, जंगल कटने लगता है, तब हम जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं 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 काटो, या कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट तो आपको पता है सबको यहाँ पे कैसी चल रही है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग। सो आरे में भी जो चल रहा है, दिस इज़ द सेम प्रॉब्लम। कोस्टल रोड के साथ में भी सेम प्रॉब्लम। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट अभी लड़ रहे हैं लोग, इट इज़ द सेम प्रॉब्लम दैट इट इज़ रिएक्टिव, एंड बिकॉज इट इज़ रिएक्टिव इट इज़ इनइफेक्टिव। So until and unless civil society can come up with a strategy that is proactive, we are all doomed. हम लोग नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीत रहे हैं already, और हम completely हारने वाले हैं। तो अगर ये change करना है तो एक आरे के struggle में एक जो मतलब मैं हमें जब भी आप कहीं से फोन आता है पेड़ कट गया मैं बोलता हूँ तीन दिन बाद खबर आती है पेड़ कटने की। वहाँ के आदिवासी लोग को पता नहीं मतलब पिछली बार जब हमारा NEPM का जो हुआ था यहाँ पर तो आदिवासी लोग आए थे उसमें, तो उनको उन्होंने बोला कि हम पहली बार गोरे गाँव के बाहर निकले, मतलब ये सब समझ में आया है कि ऐसा ऐसा है, ये सब इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ऐसा है वैसा है, मगर उस लेवल का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है अभी आरे के अंदर। जो क्योंकि हम मिडिल क्लास वहाँ जाते हैं और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाके ह्यूमन चेन खड़ी कर दी किसी दिन या कुछ कर दिया, पर जब वहाँ पर एक्चुअल खतरा जब हो रहा होता है तो उन लोगों को सबसे पहले पता लगता है, उन लोगों को सबसे पहले आना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ आदिवासी लड़ रहे हैं वहाँ पर आदिवासी पहले लड़ते हैं, हम लोग बाद में आते हैं। आरे के अंदर ये कम है। जो देर आर 27 पाटास आदिवासी का, एंड दे आर नॉट ऑल यूनाइटेड। उनका एक एक पाड़ा इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द अदर पाड़ा, ऐसे बहुत चल रहा है। सो राइट नाउ ग्राउंड वर्क जो चल रहा है ग्रुप के तरफ से, आरे कंजर्वेशन ग्रुप के तरफ से, इज़ टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर फर्स्ट। अगर सब साथ में आएंगे तो साथ में लड़ेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है वो करने के लिए, लेकिन अभी धीरे धीरे इट इज़ हैपनिंग। जैसे ट्राइबल्स अब जाके उन्होंने केस फाइल किया फाइनली हाईकोर्ट में, तो अब जाके उनका एड्रेस। जो संजय आप जो सजेशन रख रहे थे, मैं भी बात कर रही थी सीता से कि जैसे हमारा शहर अभियान जो जो DP का जो है जिसमें 109 संगठन है, तो शहर में बहुत कुछ हो रहा है पर्यावरण के सवाल को लेकर। ये जो सिटी को जो पूरा एक नक्शा बदलने की जो एक डेवलपमेंट के नाम से और डिस्प्लेसमेंट जो किया जा रहा है, तो ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वी डोंट वॉन्ट टू रिपीट वर्क, है ना। हमें कोई किसी ये बैनर से नहीं तो वो बैनर से, ये बैनर से नहीं हो रहा है वो वाला, तो हम नहीं चाहते हैं। और क्योंकि जैसे जब भी मैंने जो कहा या जो चैनिका ने कहा कि बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे कामों में हम सब लोग शामिल नहीं भी हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम शामिल नहीं हैं तो हमारा कंसर्न नहीं है या हम बिल्कुल भी उसको नहीं देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है। वैसे तो परिस्थिति हम सब की है नहीं, हम सब उसमें किसी ना किसी तरीके से शामिल तो है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि खास करके ये मीटिंग NAPM से जुड़कर है, और NAPM बम्बई और महाराष्ट्र में ये कैसे ज़्यादा स्ट्रांगली एक्टिवली, या मैं समझ रही हूँ जब से मैं ये चर्चा सुन रही हूँ, तो जो अभियान जो प्रोग्राम जो प्रोसेस जो कलेक्टिव आंदोलन जो कुछ भी इस शहर में हो रहा है उसमें NAPM का एक्टिवली रोल, या जो NAPM से जुड़े हुए हैं उनका एक्टिवली रोल और पार्टिसिपेशन किस तरह से और बढ़ सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं है तो वो आगे कैसे एक्टिवली और पार्टिसिपेशन हो सकता है। समवेयर मेरा जो इंटरेक्शन रहा है NAPM के साथ वो अच्छा रहा है, और जैसे मतलब बिलाल के साथ अगर बोला जाए तो बिलाल ने बार बार कोशिश किया है कि जो लोग छात्र आंदोलन में हैं उन लोगों को
जो एनएपीएम के साथ जुड़े हुए यूथ हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का स्पेस क्रिएट किया जाए, तो मुझे लगता है वो वाला एक कोशिश काफ़ी कंसिस्टेंटली बिलाल ने की है। मतलब मेरा उनके साथ ही इंटरेक्शन है, इसलिए उसी हिसाब से बोल रही हूँ। और मुझे लगता है इस चीज़ को और अच्छा कर सकते हैं हम आगे आगे। मतलब एनएपीएम स्पेसिफिक मीटिंग्स में ना करके कुछ अलग टाइप के सेशंस या कुछ अलग से प्लान किए जा सकते हैं, जहाँ पे जो जैसे टाटा इंस्टीट्यूट के बच्चे या फिर और अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे आ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बाकी बॉम्बे में लास्ट ईयर से मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी करके एक प्लेटफॉर्म आया है, जो कि भीमा कोरेगांव के बाद मतलब जिस लेवल पे लोगों को क्रिमिनलाइज किया गया है डिसेंट के लिए, मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए और लोगों के हकों पे बात करने के लिए, उसमें भी एनएपीएम का इन्वॉल्वमेंट रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता था। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगा है कि एनएपीएम के साथ इस मुद्दे में ऐसे बात हो रहा है कि ये एनएपीएम का क्वेश्चन नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका कंसर्न ही है और बहुत पेरिफेरल पार्टिसिपेशन मुझे लगता है कि रहा है। तो या तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो उस इशू को देखने का या फिर कैसा, बट गिवन द फैक्ट कि मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी में एनएपीएम भी एक पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आई फील कि इस तरह के मुद्दे भी कम्युनिटी तक कैसे लेके जाने हैं, उसके लिए जो स्पेस क्रिएट करने का एक अटेम्प्ट होना है, वो भी मुझे लगता है एनएपीएम की तरफ से भी आना चाहिए और हमारी तरफ से भी और होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स ही है जिस पर मैं थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, उसके अलावा तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती। मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी ऐसी एक कोशिश है। पीयूसीएल महाराष्ट्र भी एक्चुअली ऐसे कंस्टिट्यूट हुआ था, वो कोई इंडिविजुअल लेड यू नो स्पेस नहीं था। हम इनफैक्ट और इट्स ओनली 1.5 years ओल्ड, वैसा इतना पुराना भी नहीं है। तो जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था पीयूसीएल महाराष्ट्र, तब हम सब एक साथ जुड़ के हम लोगों ने साथ में काम शुरू किया। पीयूसीएल में हमने एक अहमियत देखी कि नहीं ये क्रेडिबल स्पेस है एंड यू नो वी नीड टू ब्रिंग इट टू बॉम्बे। तो ये हमारी कोशिश रही थी और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हम एक साथ जुड़कर पीयूसीएल के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये पीयूसीएल के बारे में नहीं है, हम सब बहुत सारे अलग अलग कोलैबोरेटिव वेज में बहुत सारे कलेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी में पीयूसीएल इज़ जस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर 41 ऑर्गेनाइजेशंस, सो वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क इन दैट कलेक्टिव स्पेस, वही हमारी एक कोशिश रही है। मैं ये इसीलिए कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक चैलेंज जो मुझे हमेशा लगती है, जैसे एक हम लोगों ने एक मीटिंग कॉल की थी पीयूसीएल में जाके, यू नो 25 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, अलग 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 यू नो संस्थाओं के इनफैक्ट लोग हैं। हम लोगों ने एक कॉल इशू किया था एनवायरनमेंट कन्वेंशन रखने के लिए और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो एनवायरनमेंट के मुद्दों से जुड़ी हैं वो सब आए थे, हम पार्टिसिपेट किया था। हमने निर्मला निकेतन में एक मीटिंग भी रखी थी लेकिन वो आगे बढ़ के नहीं जा पाए क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने मुद्दे हैं और उनके सबके स्ट्रगल्स बहुत ही इमिनेंट है और कितना हम एक कन्वेंशन में फिट कर सकते हैं। वही बात पे रुके, हम अभी तक बात कर रहे हैं, हम अभी तक एक साथ काम करते हैं और मदद भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये एक जो चीज़ आती है कि अपनी संगठना देखे या नेटवर्क देखे, ये हमेशा मैंने देखा है, ये अप्रोच जो है इनफैक्ट हमें बहुत पीछे ले गया है। हम एक साथ मिलकर जो हमारा एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और इसीलिए ऐसी मीटिंग्स होना भी मुझे लगता बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सारे अलग अलग स्ट्रगल्स को कनेक्ट करके हमारे एक्सपीरियंस भी शेयर करें। लेकिन ये नहीं है कि जैसे सीता बोल रहे थे, जैसे चैनिका ने बोला या अभी हसीना ने बोला, ऐसा नहीं है कि ये अटेम्प्ट्स टू वर्क इन अ कलेक्टिव वे, I mean, it's not like they have not happened. They have been happening for a long time, and especially in Bombay, they have been happening for a long time. In fact, we are maybe one of the only ones who keep on trying to do it again and again. I think we do it almost on a biannual basis. So this has been happening quite a bit. I agree with Shefali when she says that NAPM has not really been involved in many of these collective attempts. So maybe from NAPM it must be looking like these collective attempts are not happening, you know, because they have not, there has been peripheral involvement or there has been an idea that this is happening. लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। जैसे मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी में जब हमने रीच आउट किया था कि एनएपीएम भी ज्वाइन करे, तो बहुत
बहुत यू नो दोस्ती में और बहुत अच्छी तरह से साथ जुड़े थे, लेकिन हमने वो प्लेटफॉर्म के बहुत अलग अलग वेज में यू नो यूटिलाइज़ किया. हमने बहुत कन्वेंशंस किए, हमने मीटिंग्स किए, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए अलग अलग टाइम पे वो केस के. दूसरे मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी हम लोगों ने मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी को इस्तेमाल किया. माहौल के क्वेश्चन पे हम बहुत बात किए मुंबई राइजेस टू सेव डेमोक्रेसी ने, लेकिन NAPM का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. तो ये जो एक चीज़ है कि NAPM कैसे कलेक्टिव्स के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हमें आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. यू नो वी नीड टू कनेक्ट दीज स्ट्रगल्स एंड वी नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर. सो हाउ कैन वी लुक एट यू नो बिकॉज इट माइट इन फैक्ट यू नो एम्पलीफाई द वर्क दैट वी आर डूइंग. सो हाउ कैन वी लुक एट ब्रिजिंग दैट गैप? आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इवन आई वुड लाइक टू pose in this forum since we are getting an opportunity to discuss this.